देखिए वेस्टर्न मीडिया बहुत सारे कामों में से एक काम दो तीन काम कर रही है, मैं आपको बता दूं। दुनिया अगर फिलिस्तीन की आजादी की बात करे, हमारे देश ने फिलिस्तीन की आजादी की बात करी, तो वेस्टर्न मीडिया फौरन जोड़ देती है साहब फिलिस्तीन की आजादी को हमास से, जैसा हमास तो आतंकवादी है। फिलिस्तीन की आप आजादी की बात कर रहे हो तो आप आतंकवादी का वो तोहमत लगा देते हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने वहां पर उस गवर्नमेंट को चुना, उस गवर्नमेंट की और इसराइल की लड़ाई है आपस में, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये यहां पर जिस तरह से जिसको सहूलियत होती है उस तरह से उसको टर्न तो कर लेता है, लेकिन जिन लोगों को आपने 1948 से गुलाम बनाना शुरू किया, गुलाम बना लिया, उनके आपने 80% से ज्यादा भूभाग पे आपने कब्जा कर लिया, आप 8% से आप 83% पर वहां पर 87% पर आप वहां पर आ गए, तो आप सोचिए ना कि आपने उनको कब गुलाम बना लिया। अपने हक के लिए लड़ना वो उनका अधिकार है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया उनके लिए आवाज उठा रही है। अब जो दुनिया आवाज उठा रही है उसमें बहुत ज्यादा कूटनीति भी होती है कि साहब आवाज तो उठाएंगे लेकिन साथ साथ एक प्रोपोगंडा हवाला कर देंगे, साहब ये तो आतंकवादी है इनको सपोर्ट मत करिए। भाई हमास को आप खत्म कर लीजिए, किसने मना किया? हमास को खत्म कर लीजिए, किसने मना किया? किसने मना नहीं किया? लेकिन फिलिस्तीन की तो आजादी की बात करिए, कहां है फिलिस्तीन के पास में उसका वो बड़ा भूभाग जो 93% या 92% फिलिस्तीन का होना चाहिए? तो आपने उनके हक को मारने के लिए तो आप उनके घर में घुस गए, कब्जा करके बैठ गए, उनके लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हृदय विदारक चीखे निकल जाए आपकी उन फोटो को भी देखकर, तस्वीरों को देखकर, जिन हालत में वो लोग रह रहे हैं वहां पर। ऊपर से आप उनके ऊपर तुर्रा ये रख देते हैं कि साहब जो इनके हक के लिए लड़ रहा है वो आतंकवादी हो गया, जो इनके लिए हक के लिए बातें कर रहा है वो आतंकवादी हो गया। बड़ी विचित्र बात है साहब। तो आप इन सब चीजों को जरा समझने की जरूरत है, वेस्टर्न मीडिया किस तरह से प्रचारित करता है, और वेस्टर्न मीडिया का बहुत ज्यादा साथ हमारे यहां का गोदी मीडिया भी कम नहीं है, वो वेस्टर्न मीडिया की तरह ही काम कर रहा है। जबकि देश का हमारे का स्टैंड है फिलिस्तीन की आजादी के लिए, उसके बावजूद भी जब कभी बात करते हैं कि साहब फिलिस्तीन की आजादी की, फौरन कहते हैं साहब हमास देखिए आतंकवादी, हमास को खत्म करिए। भाई फिलिस्तीन की आजादी की बात कब करोगे? हमास से तो लड़ रहा है ना इसराइल, तो लड़ लेगा अपने जो भी कुछ करना कर लेगा उसका, लेकिन फिलिस्तीन की आजादी कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 14 या 24 साल का विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है। इन लोगों को बांध करके वहां पर रखा हुआ, कब्जा करके इनको वहां पर रखा हुआ, जेलों में इनको बंद किया हुआ है, लाइव जेल जिसे मैं कहता हूं, जिसको ओपन जेल भी कहते हैं, ओपन जेल में आपने पूरे के पूरे उसको तब्दील किया हुआ है फिलिस्तीन को। वो अपनी मस्जिदों में नहीं जा सकते, हम लोग किबला अव्वल में नहीं जा सकते, वो लोग किबला अव्वल में नहीं जा सकते बिना इनके परमिशन के, बिना किसी उसके, कभी भी रोक देते हैं, कभी भी गोलियां चला देते हैं। 3 मजहब की वहां पर लोग जाते हैं, क्रिश्चियंस, यहूदी और मुस्लिम्स, पाबंदी से मुसलमानों के लिए। तो ये जबकि एग्रीमेंट है, तीनों को बराबर का हक है, इन चीजों के बारे में बात नहीं होती तो क्यों बात नहीं होती, वो कब बात होगी? तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और जो हक के लिए बात ना करे, मेरे ख्याल ये है कि उस आदमी को अपने आप को इंसान ही कहने का कोई। लेकिन अगर ये वेस्टर्न मीडिया गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है, हम तो है नहीं ना वहां पर, ना आप है वहां पर, वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया यही तो प्रचारित करता है ना, तो उस प्रचारित करने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, जो लोग लड़ते नहीं उनको मारा गया है, गलत है, इस्लाम के हिसाब से गलत है, लेकिन जो लोग जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ने में आपस में जो लोग लड़ रहे हैं फिलिस्तीन की तरफ से और इसराइल की तरफ से, वहां तो फिर जंग तो जंग ही है ना। अब जो आपकी दूसरी वाली बात है, जैसा इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर मुल्कों का कॉन्सेप्ट है, हम अपने मुल्क से भी इस बात की डिमांड करते हैं कि ऐसा हो कि वहां पर तकरीबन सारे ही लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, कंपल्सरी है वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग या फौजी ट्रेनिंग। तो जब वहां पर सारे ही लोग मिलिट्री के हैं, सारे ही लोग फौज के हैं, तो जंग तो फिर सभी के साथ है, लेकिन बच्चों के साथ कैसे जंग हो जाएगी? बच्चा तो बच्चा है ना सर, औरत तो औरत है ना, खेत खलियान तो खेत खलियान है ना, सभी के लिए है।
तो ये किसी भी तरह से इक्वेट नहीं कर सकते, हम किसी भी नाम पे इक्वेट नहीं कर सकते, इवन इस नाम पे भी इक्वेट नहीं कर सकते कि साहब उनको जबरदस्त तरीके से बंदी बना के रखा गया है। मैं जंगे बदर की आपको किस्सा बता दूं, जब जंगे बदर जीत ली गई, अटैक करने वाले कुफार थे, जब कुफारों को वहां पर जो लोग बचे, जो लोग भाग गए वो भाग गए, जो लोग बचे उनको बंदी बना लिया गया, उनको हथकड़ियां या उनका हाथ बांध दिए गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ खुलवाए, बोले नहीं इनको खोल दीजिए हाथ, और उनमें से ये कहा कि इनमें से जो लोग पढ़ा सकते हैं उनको बाकायदा आजाद कर दीजिए। तो जब हमारे पास में सुभान अल्लाह एक ऐसे लीडर हैं जिनको हम मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया के लिए हैं, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो पस्ती तो है ही, हम उनको ना तो वार नियम में फॉलो कर रहे, ना तालीम में फॉलो कर रहे, ना स्ट्रेटजी में फॉलो कर रहे, और बात करते हैं अल्लाह ताला की मदद आ जाए, खाली दुआओं से काम हो जाए। खाली दुआओं से काम होता अगर तो फिर सूरह फुरकान में अल्लाह सुब्हान व तआला क्यों कहता कि हम कर तो सब कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने दुनिया को दारुल उस्वाब बनाया, एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो नबी करीम सल्लम जंगे क्यों लड़ते अगर सब कुछ सिर्फ दुआओं से हो जाता तो? तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। हमने गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि मेरा आदमी कर रहा है या मेरा बच्चा कर रहा है या मेरी फैमिली कर रही है, गलत काम भी कर रही तो सही हो गया, गलत तो गलत ही रहेगा ना। फलस्तीन वालों ने और इसराइल वालों ने, इसराइल का गुनाह अगर मैं ये कहूं फलस्तीन के मुकाबले में लाख गुना ज्यादा है तो भी शायद कम होगा। तो अगर बात कर रही है तो ये वाली बात करिए ना, इसराइल ने इल्म हमसे ज्यादा हासिल कर रखा है, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म उनके पास है, पैसे के एतवार से भले अरब कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, लेकिन बताइए इल्म के एतवार से कितनी यूनिवर्सिटीज उनके पास है, कितने कॉलेजेस उनके पास है। जब यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है और पढ़ने की जगह नहीं है, यानी इल्म ही नहीं है उनके पास, तो कहां मुकाबला कर लेंगे। अब एक मुकाबला हो रहा है इल्म का, इल्म का मुकाबला हो रहा है उन लोगों से जो लोग ऐशो आराम में मुब्तला हैं, वो ना तो इल्म हासिल करना चाहते हैं और अपने ऐशो आराम की वजह से ना वो लड़ना चाहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में हार तो उनकी होनी है। अभी तो उन्होंने, इसराइल ने एक फिलिस्तीन के हिस्से पे कब्जा किया है, कल हो सकता है कि इनके घरों में भी आके कब्जा कर ले। एक फाइटर वहां पर पैदा हुआ था इराक के अंदर, सद्दाम हुसैन, जिसको सद्दाम हुसैन के नाम से जाना जाता था। सद्दाम हुसैन ने अपनी ताकत दिखाई तो आप समझ सकते हैं कुवैत ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया था, क्योंकि कुवैत पैसे के एतवार से मेरे ख्याल से सबसे अमीर मुल्क था। कुवैत का जो रुपया था, कुवैत का जो डॉलर था, या कुवैत का जो दिरहम था, सबसे महंगा था दुनिया के अंदर। और उसकी हालत यह हो गई थी कि इराक ने, सद्दाम हुसैन ने जब उसके खिलाफ वार डिक्लेयर करी तो बिना लड़े सरेंडर कर दिया था। तो अगर कोई बड़ी बात नहीं है, इसराइल अगर इनसे यह कहेगा जी मैं तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं, तो ये सारे के सारे मुल्क बिना लड़े ही सरेंडर कर दें, क्योंकि ये ऐशो आराम में मुब्तला है। दूसरा, इन्होंने इल्म हासिल नहीं किया। अगर इल्म हासिल करते तो दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास होती, लेकिन है किसके पास? इसराइल के पास। दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, इसीलिए इसराइल को अमेरिका ही मदद कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान भी इसराइल को अपना दोस्त मानना चाहता है कि साहब इसराइल हमारा दोस्त है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो यह लड़ाई आप सोचिए ना, एक जमीन और आसमान के बीच में एक तरह से हो रही है। तो इसलिए जितने भी अरब कंट्रीज की आप बात कर लीजिए या ओआईसी की बात कर लीजिए, किसी की आप बात कर लीजिए, जब तक कि ये अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ेंगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मैं यहां पर एक आपके लिए मिसाल के लिए एक बात मैं कर रहा हूं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग लड़ी जंग बदर, कितने थे उनके साथ मुसलमान? सिर्फ 313, और कुफार कितने थे? 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा कुफार, और कुफार में वो लोग जो बाकायदा सैनिक थे, जिन लोगों ने बाकायदा जंगें लड़ी थी, जिन लोगों को जंगों का पूरी तरह से अभ्यास था, जिनके पास घोड़े भी थे, हाथी भी थे, ऊंट भी थे, तमाम चीजें थी, उनके मुकाबले में 313 वो लोग जो एक आम इंसान थे जिन्होंने कभी जंगें नहीं लड़ी,
जिन्होंने वारफेयर का कोई मतलब नहीं मालूम था, लेकिन उनके जो लीडर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि जिस स्ट्रेटजी के लिए दुनिया के तमाम हिस्टोरियन ये लिखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की मदद को नहीं मानते कि सर अल्लाह ने कोई मदद की होगी, हम मानते हैं कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने मदद की, वो ये लिखते हैं कि साहब उस दिन कुफार या उस वार में कुफार अगर हजार नहीं लाख भी होते तो भी वो हारते, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी इस कदर अच्छी थी कि उनसे जीता नहीं जा सकता था। ऊपर से उनके पास 313 लोग वो लोग थे जो अपने आप को बिल्कुल शहीद करने के लिए तैयार थे कि साहब कोई मसला नहीं है, हमारी जाने चली जाए। तो जब आपके अंदर वो वाला जज्बा आ जाए, जब आपके लीडरान के अंदर वो वाली टेक्निक या वो वाली स्ट्रेटजी बनानी आ जाए, तब तो लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए। आपने कोई टेक्निक नहीं बनाई, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आप सिर्फ OIC नाम को लेकर के या अरब कंट्रीज के नाम को लेकर के, इन अरब कंट्रीज से तो मैं ये कहता हूं कि ना हो तो बेहतर है, कम से कम उनको ये मुखालता तो नहीं रहता फिलिस्तीन के लोगों को कि साहब हमारे साथ में कुछ लोग होंगे। एक सवाल ये है कि पिछले 16 साल से पूरे फिलिस्तीन गाजा हो चाहे वेस्ट बैंक हो, उसकी घेराबंदी उसकी पूरे तरीके से नाकाबंदी कर दी गई थी, अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, क्या ये उसी के कारण ये इतना इतना इतनी बड़ी चीज हुई और ये पहले ही इन लोगों को जागना चाहिए था कि जो 16 साल से चल रहा था ये? ये आप पता नहीं कौन से हिसाब से 16 साल कह रहे हैं, 1948 से आप इस चीज को शुरू कर लीजिए, 16 साल तो बहुत कम पीरियड की आपने बात कर दी। 2004 नहीं, उससे पहले की बात है, जेल उससे पहले बनी है, जो पूरे के पूरे गाजा को जेल में तब्दील किया है, जो पूरे फिलिस्तीन को जेल में तब्दील किया है, वो उससे पहले की बात है। 1984 में तो बल्कि यासर अराफात जब आए, यासर अराफात ने आके वहां पर अपनी हुकूमत भी कायम की, एक तरह से उनको थोड़ी सी आजादी मिली, गुलाम तो इनको 1948 में बना दिया गया। 1948 में जो फिलिस्तीन था और जो इसराइल था, इसराइल के पास में सिर्फ 8% हिस्सा था, जो आज की डेट में इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को मिला के बन जाता है 8%, और 92% में फिलिस्तीन था, और आज की डेट में क्या हो गया है वहां पर, मेरा ख्याल है 12% में 13% में फिलिस्तीन आ गया है और बाकी 87% में इसराइल है। तो ये 14 साल का जो आपने लेके आए हैं, 24 साल का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आए हैं या ये कौन सी मीडिया इस चीज को प्रचारित कर रही है।